हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कल हमने डिस्कस किया था एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर वन के मैथ्स पोर्शन के पहले 5 क्वेश्चन, और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम 6 to 10। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी लेट। तो 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि एक पोल को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, और एक ब्रिज है जिसकी लेंथ 170 मीटर है, उसको 36 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, तो फिर हमसे ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो सो गाइस, एक क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ी सी ट्रिकी है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व। यार एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पोल है, ठीक है, इस पोल को एक ट्रेन है अपने पास, एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। 12 सेकेंड में क्रॉस करने का मतलब क्या है कि मतलब ये ट्रेन है अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने तक में, 12 सेकंड में। कैसे? ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस तभी करेगा जब इसका एंड हेड जो है, ट्रेन का जो हेड दैट इज इंजन जो है, वो आगे चला गया होगा, और इसका जो बैक वाला पोर्शन है वो जस्ट इस पोल को क्रॉस कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये 12 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी, अपने को टाइम पता चल गया कि 12 सेकेंड, और डिस्टेंस पता चल गया एल, तो इसकी चाल अगर हम लिखें तो चाल, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, वी इज इक्वल टू एल बाई 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है अपने पास, ये एक ब्रिज है, और इस ब्रिज को एक ट्रेन जो है क्रॉस करती है कितने सेकेंड, ये ब्रिज की लेंथ भी दी हुई भाई 170 मीटर, और इस ब्रिज को पार करती है 36 सेकेंड में, ठीक है। तो गाइस अगर आप सोचो इस ब्रिज को क्रॉस कैसे करेगी ट्रेन, ये ब्रिज को तभी क्रॉस कर पाएगी जब इसका जो एंड होगा वो कहाँ पहुँच गया, इसके जस्ट इसके लास्ट वाले कॉलम को क्रॉस कर रहा होगा, इसका जो हेड है वो हेड आगे पहुँच गया होगा। यानी कि टोटल 36 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ट्रेन ने, वो कितनी हो जाएगी, 170 प्लस में लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो अगेन, अगर गाइस टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इसने कितना ट्रेवल किया, 170 प्लस एल मीटर, एंड कितने टाइम में ट्रेवल किया गाइस, 36 सेकेंड में। तो अगर हम फिर से अगर इसकी स्पीड लिखें, फिर से अगर इसकी स्पीड लिखें तो स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया, 170 प्लस एल बाई 36 सेकेंड जो टाइम लगा था, और ये स्पीड एक पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग किसके बराबर हो जाएगी, एल बाई 12, जो कि 12 सेकेंड में पोल को क्रॉस करता है। अगर इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व होगा ये बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 170 इंटू 12 प्लस 12 वेल इज इक्वल टू 36 एल। 12 वेल को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 24 एल, 24 एल किसके बराबर हो जाएगा, 24 एल हो जाएगा हमारा 170 इंटू 12 के इज इक्वल टू, तो 12 से ही कट जाएगा तो आ जाएगा 2, एंड फाइनली लेंथ अपने को पता चल गया कितना है, 85 मीटर लेंथ गाइस अपने को पता चल गई। तो हमने को पता है जो वेलोसिटी क्या थी, एल बाई 12 थी, कितनी थी, वेल बाई 12, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी गाइस, एल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी, एल हो गई 85 बाई में 12, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बट द गाइज आंसर इज गिवन इन द किलोमीटर पर आवर, सो यू नो गाइज किसी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 18/5, ओके। सेन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाई 18, इट विल बिकम 17, एंड अगर इफ हमको इसको 6 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 51/2, 51/2 इट मीन्स 25.5 किलोमीटर पर आवर। सो द आंसर विल बी कितना, 25.5 किलोमीटर पर घंटा, ओके। सो लेट अस सी द आंसर इज गिवन और नॉट, सो द यस आंसर इज गिवन 25.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो मूव, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट आउट ऑफ 6 नंबर्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6 नंबर, एंड इफ द एवरेज इज 136 देन द 6 नंबर इज, ओके। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि 6
संख्याएं हैं, ठीक है, छह संख्याएं हैं हमारे पास। उन छह संख्याओं, मान लीजिए छह संख्याएं ए बी सी डी ई और एफ, छह संख्याएं आपके पास। ये छह संख्याओं में बोल रहा है जो पहले पांच संख्याएं उनका जो सम है, दैट इज फर्स्ट पहले पांच संख्याएं हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका जो सम है वो किसके बराबर है, सेवन टाइम्स किसके है, एफ के, यानी कि एफ के सात गुने के बराबर है इन पांचों पदों का टर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है गाइज कि जो एवरेज है कितना है, इसको आप याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, सेवन एफ। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है एवरेज, एवरेज जो है दे रखा है, एवरेज एवरेज आप जानते हो जिसको हिंदी में कहते हैं औसत या माध्य कहते हैं, कितना होता है, पदों का योग बटा पदों का संख्या, ये कितना दे रखा है, 136 दे रखा है। तो गाइस पदों का योग क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, एंड पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, छः टर्म्स है, नहीं तो छः हो जाएगा, और ये किसके बराबर दिया है, 136 के बराबर दिया है। तो मैंने पहले अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है ये किसके बराबर दिया है, सेवन एफ के बराबर दिया है, कितने किसके बराबर दिया है, सेवन एफ के बराबर दिया है, यानी सेवन एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, एट एफ, एट एफ एंड सिक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एट एफ इज इक्वल टू सिक्स इंटू 136, एंड अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा 17 टाइम्स, यानी जो एफ हो जाएगा, यानी जो छठवां टर्म हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 102 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी द आंसर इज गिवन और नॉट, यस द आंसर इज गिवन 102। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड द हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 4/9, देन द रेशियो ऑफ द देयर वॉल्यूम्स इज। क्वेश्चन बोल रहा गया गाइज, मेरे पास दो सिलेंडर हैं, ठीक है, एक सिलेंडर ये हो गया और एक सिलेंडर ये हो गया, ठीक है। इनके रेडियस मान लीजिए आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, इसका हाइट एच वन है, इसका हाइट एच टू है, आर वन आर टू एच वन एच टू दिया है, ठीक है। इनमें रेशियो दिया हुआ कितना दिया है, आर वन बाई आर टू दे रखा है 3/4 एंड एच वन बाई एच टू कितना दे रखा है, 4/9, और हमसे पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, तो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम्स का रेशियो कितना होगा। सो लेट अस, आप जानते हैं जो बेलन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने को पूछ रहा है वी वन बाई वी टू, वी वन बाई वी टू क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर एच वन बाई पाई आर टू स्क्वायर एच टू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया मेरा फाइनली, ये आर वन स्क्वायर एच वन बाई आर टू स्क्वायर एच टू। अब आर वन बाई आर टू को लिख सकता हूँ मैं, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर इंटू एच वन बाई एच टू, और नाउ हमें दिया हुआ है गाइज आर वन बाई आर टू की वैल्यू दे रखी है 3/4 एंड एच वन बाई एच टू की वैल्यू दे रखी है 4/9। सो लेट अस पुट वी वन बाई वी टू क्या हो जाएगा भाई, आर वन बाई आर टू होल स्क्वायर इंटू एच वन बाई एच टू, तो आर वन बाई आर टू की वैल्यू दे रखा है अपने को 3/4 जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच वन बाई एच टू दे रखा है अपने को 4/9, तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 4/9 हो जाएगा ये फाइनली 1/4। सो द वी वन बाई वी टू कितना हो जाएगा, वी वन बाई वी टू अपना हो जाएगा 1/4। सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर, ओके, सो द आंसर लेट अस सी, यस 1/4 इज द करेक्ट आंसर, 1/4 इज आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाई रनिंग 8 राउंड अराउंड इट। सो द गाइस क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गार्डन है, सर्कुलर है, ठीक है, एक सर्कुलर गार्डन है अपने पास, ठीक है, जिसकी रेडियस दी हुई है 40 मीटर। फिर बोल रहा है कि कोई, फिर हमसे बोल रहा है इसके 8 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसके कितने चक्कर लगाने में, 8 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। तो हम मुझे बताओ कि एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो मुझे पता है एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल होती है किसके बराबर, परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है, 2/r। तो 8 चक्कर में कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 16 पाई
16 पाई आर, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। 16 पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7 एंड आर की वैल्यू अपने को दी है 42 मीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 2112 मीटर। ओके सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन तो बहुत लंबा लग रहा है, चलो फिर भी पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5/3। एक कोई स्कूल है जिसमें 640 नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपका 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि 30 लड़की और एडमिट हो जा रही हैं स्कूल में तो कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, जिससे कि फिर से लड़कों और लड़कियों की जो संख्याओं का रेशियो है वो कितना हो जाए, 14/9 हो जाए। ओके तो क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, सो लेट अस सॉल्व इट। दे रखा है गाइस, मान लो कि भाई एक कोई कॉलेज में नंबर ऑफ बॉयज़ की नंबर्स मान लो संख्या कितनी है एक्स, और गर्ल्स की संख्या मान लो कितना है वाई, तो इनका जो सम हो जाएगा यानी नंबर ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 640। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात यह हुआ कि लड़कों की संख्या यानी एक्स और लड़कियों की संख्या वाई, इनका रेशियो दे रखा है 5/3, यानी कि हो जाएगा 3x = 5y, ठीक है। ये इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन है एक्स और वाई, तो इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है और इक्वेशन दूसरा इक्वेशन है 3x = 5y। तो हमें इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, 3 से अगर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 640 × 3, ठीक है। और एक नेक्स्ट है, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 920 एंड 3x = 5y अपने को दिया है, 3x = 5y अपने को दिया है, 3x की वैल्यू हम 5y इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 5 + 3 8y, और 8y = कितना हो जाएगा 920। इट मीन्स 8y = 920, इट मीन्स y = कितना हो जाएगा 240। y = 240, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता चल गई कितनी है, 240। नंबर ऑफ गर्ल्स 240 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 240, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 640, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 400। ओके फिर बोल रहा है यार, नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि अगर लड़कियों की संख्या 30 और ऐड हो जाती है, यानी 30 लड़कियां और इसमें ऐड कर ली जाती हैं, तो बच्चों की संख्या में कितने लड़कों को और ऐड किया जाए कि जो रेशियो है फाइनल बच्चों का ये कितना हो जाए 14/9 के बराबर हो जाए, कितना हो जाए 14/9 के बराबर हो जाते। ये उसी तरह से फिर से कर लेंगे, कैसे करेंगे इसको, 240 + 8 यानी कि 270 = कितना होना चाहिए 14/9 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, 240 + 30 यानी कि 270। अब ये रेशियो दिया है अपने को 14/9, कितना दे रखा है 14/9। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3600 + 9a = 14 × 270। ओके इट मीन्स 9a = कितना हो जाएगा, ये 14 × 270 - 3600 यानी इक्वल हो जाता है आपका 3780 के बराबर हो जाएगा, 3780 में से जाएगा तो हो जाएगा फाइनली 180, यानी कि 9a = 180। इट मीन्स a = 180/9, इट मीन्स 20, यानी कि हमें 20 लड़कों को यानी बॉयज़ को और जोड़ना पड़ेगा जिससे कि हमारा रेशियो बॉयज़ बाई गर्ल्स का कितना हो जाए 14/9 हो जाए। सो लेट अस सी इफ द आंसर इज गिवन और नॉट। यस द आंसर इज गिवन 20। सो लेट अस टुडे स्टॉप हियर गाइस, एंड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज दैट प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।